हेलो टेक फैंस, कैसे हैं आप लोग गाइस। पिछले कुछ दिनों से एक इमेज वायरल हो रही थी, वो ये इमेज है गाइस। इसके बारे में कहा जा रहा था कि जैसे ही यूज़र्स इसको अपने वॉलपेपर पे सेट करते हैं तो उनका फ़ोन इंटरनली डैमेज हो जाता है या प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देता है गाइस। इसके बारे में लोगों को वार्निंग भी दी जा रही थी कि इस इमेज को वॉलपेपर पे सेट ना करें, बट लोग कहाँ मानने वाले हैं। जो काम करने से मना किया जाता है वो काम तो लोग ज़रूर करते हैं। जैसे कि एक बार न्यूज़ में मैंने देखा था कि एक विलेज में ये कहा गया कि एक विलेज में लेपर्ड आ गया है, तो लोग उसे देखने चले गए। मतलब यार वो लेपर्ड है, उससे कोई मिलने नहीं जाता है, जानवर है वो खूंखार जानवर है। दोस्तों मना करने के बाद भी कई लोगों ने इस इमेज को अपने वॉलपेपर पे सेट किया और कई लोगों के फ़ोन्स डैमेज हुए, कुछ के फ़ोन्स नहीं डैमेज हुए। बट दोस्तों देखा ये गया कि जो 5 ब्रांड्स थे जिन पे इस इमेज का मेजर इफेक्ट पड़ा है, वो ब्रांड्स हैं नोकिया, वन प्लस, सैमसंग, शाओमी और गूगल। यहाँ तक कि दोस्तों द ऑल माइटी फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा पे भी इस इमेज को वॉलपेपर पे सेट करने का इफेक्ट पड़ा है, वो फ़ोन भी डैमेज हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं इस डैमेज का रीज़न और रिकवरी बताने से पहले कुछ टर्म्स समझाना चाहूँगा ताकि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों बिना वीडियो स्किप किए बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। दोस्तों एक चीज़ होती है कलर स्पेस। कलर स्पेस एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ कलर्स है जो एक इमेज में रिप्रेजेंट की जाती है। दोस्तों डिफरेंट कलर स्पेसेस के डिफरेंट रेंज ऑफ कलर्स होते हैं। वैसे तो एक JPEG इमेज में 17.6 मिलियन कलर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही दो कलर स्पेसेस हैं एडोब RGB और sRGB। दोस्तों एडोब RGB जो है वो sRGB के कंपैरिजन में 35% मोर कलर रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए एडोब RGB की जो इमेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होती हैं और इसका कलर रेंज ज़्यादा होता है, तो इसकी इमेज कलरफुल भी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी इमेज ब्यूटीफुल भी ज़्यादा लगती है। बट गाइज sRGB RGB से पहले आया था, सो एवरीथिंग ऑन अ कंप्यूटर इज़ बिल्ट अराउंड sRGB। द वीडियोज़, द वीडियो गेम्स, द एप्लीकेशन, द सॉफ्टवेयर्स एंड एवरीथिंग एल्स हैज़ sRGB एज देयर डिफ़ॉल्ट कलर स्पेस। यहाँ तक कि जो मॉनिटर्स आप यूज़ करते हैं वो 97% sRGB कलर्स तो डिस्प्ले कर पाते हैं, बट वहीं सिर्फ 76% अडोब RGB के कलर्स डिस्प्ले कर पाते हैं। बट गाइज आजकल मार्केट में ऐसे मॉनिटर्स, लैपटॉप्स, टीवीज और कैमराज आ रहे हैं जो एडोब RGB कलर को भी सपोर्ट करते हैं। गाइज जिस भी पर्सन ने ये इमेज क्लिक की थी उस टाइम पे तो ये इमेज नॉर्मल थी, बट एडिट करते टाइम उसने इस इमेज में ऐसे कलर्स ऐड किए जो कि एडोब RGB के कलर्स थे और एंड्रॉयड सिर्फ sRGB के कलर्स अंडरस्टैंड करता है। सो गाइज जब ये इमेज किसी एंड्रॉयड के वॉलपेपर पे सेट किया जाता है तो एंड्रॉयड इस इमेज के कलर्स को समझ नहीं पाता है और इस वजह से वो इंटरनली डैमेज हो जाता है। बट गाइस क्या एक बार फ़ोन डैमेज होने के बाद आप फ़ोन रिकवर कर सकते हो? तो इसका जवाब है हाँ, आप फ़ोन रिकवर कर सकते हो और उसका ओनली ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट। दोस्तों फैक्ट्री रीसेट मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी यू आर गोइंग टू लूज़ ऑल ऑफ योर डेटा, आपको अपना सारा डेटा भूल जाना पड़ेगा, आपका सारा डेटा चला जाएगा। गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। और गाइज जाने से पहले मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है कि गाइज अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, यूट्यूब पे बनाऊँ या फिर फ़ोन्स के ऊपर बनाऊँ? आप लोग जिस पर भी वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, तो आप लोग जिस पे भी कहोगे मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू गाइज।